आयरन बॉक्स ऑमलेट। मार्कापुर नाम के गांव में लड्डू नाम का एक आलसी रहता था। वो हमेशा खाना खाता और सोता रहता था। उसके माँ बाप भगवान को बहुत मानते थे। एक दिन उनके घर बहुत सारे जोगी खाने पर आए। उसके माँ बाप ने उनको अच्छे अच्छे मिठाई के साथ साथ खूब स्वादिष्ट भोजन करा रहे थे। ये देखकर लड्डू, अरे वाह, इन जोगियों को तो ठाट हैं, भगवान के नाम जपते हैं और स्वादिष्ट भोजन करते हैं। यूं बिना काम किए मुझे अगर खाना मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। अगले दिन अपने पिताजी से, पिताजी मैंने तय कर लिया है कि मैं जोगी बन जाऊंगा, मैं जोगियों में शामिल हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो बेटा, तुम जोगी बन जाओगे? राम राम, ये विचार तुम्हें कैसे आया? हाँ पिताजी, मुझे ना रोकिए, मुझे ये साधारण जिंदगी नहीं जीना है। मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी जिंदगी भगवान की सेवा में ही अर्पित कर दूंगा, मुझे ना रोकिए। यूं वो स्वामी जी के आश्रम के पास पहुंचा। वहाँ एक बड़ा फेंसिंग और सिक्योरिटी गेट था। वहाँ के सिक्योरिटी वाले से, क्यों भैया, ये कोई सेंट्रल जेल है क्या? इतना बड़ा फेंसिंग क्यों रखा है? एक बार अंदर गए तो बाहर ना जाओ, इसीलिए ऐसा प्रबंध किया है। अंदर जाइए, आप खुद ही जान जाएंगे। अंदर स्वामी जी से मिला और उन्हें सब कुछ बताया। बहुत खुशी हुई बेटा, इस छोटी सी उम्र में तुम जोगी बनना चाहते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। इस आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। तो फिर देर किस बात की स्वामी जी, जल्दी से मुझे जोगी के यूनिफॉर्म दे दीजिए, मैं तैयार हो जाता हूँ। जल्दी ना करो बेटा, इस आश्रम के कुछ नियम हैं, वो सब तुम्हें जानने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें जोगी के वस्त्र कब देना है। लड्डू ने खुश होकर स्वामी जी को प्रणाम किया। अगले दिन सवेरे कुकुरुकु करके एक मुर्गे ने बांग दिया। सारे जोगी नींद से जागे। स्वामी जी ने लड्डू को जगाया, उठो बेटा, 4 बज गए हैं। ओहो, अभी 4 ही तो बजे हैं, 1 घंटा और सोने दीजिए स्वामी जी। ना बेटा, सूर्योदय से पहले ही स्नान और जप हो जाना चाहिए, उठो। ओहो, बढ़िया चाय मिलेगा, जब तक चाय ना पीऊं मैं टॉयलेट नहीं जा सकता। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, जल्दी चलो नहा लो, फिर अल्पाहार करना है, कहकर चला गया। चलो कोई बात नहीं, अल्पाहार तो है, सोचकर ठंडे पानी को सिर पर डालते ही, ये क्या स्वामी जी, यहाँ गीजर वीजर कुछ नहीं है क्या, या फिर खराब हो गया है? अब पानी इतना ठंडा है, यहाँ गर्म पानी नहीं है क्या? यहाँ गर्म पानी नहीं है बेटा, ऐसे आराम की आदत डाल लेंगे तो हम जोगी कैसे बनेंगे। बाद में लड्डू लाइन में खड़ा था। एक स्वामी जी सबको एक ग्लास दूध और एक केला बांट रहा था। अपने आगे खड़े स्वामी से लड्डू, अल्पाहार कहा था, यहाँ इडली डोसा पूरी जैसे चीजें नहीं देते हैं क्या? वो सब उन साधारण लोगों के लिए है बेटा, जो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर सकते, हम जैसे साधुओं के लिए नहीं। जल्दी खाओ, ग्राम सेवा के लिए जाना है। बाद में ग्राम सेवा के अंतर्गत सब साधु जमीन को खोदकर उसे समतल करने लगे। लड्डू बेटा, तुम यूं खाली क्यों बैठे हो? जल्दी करो बेटा, ये खत्म करके दोपहर का भोजन करके एक और बाग में जाना है। खाने में लड्डू, स्वामी जी सिर्फ एक रोटी और अचार, बस बाकी सब्जी कहाँ है? यहाँ बस यही मिलता है बेटा, कम खाकर ज्यादा काम करना चाहिए। पर आपको एक घर में खूब बढ़िया भोजन खाते हुए देखा था मैंने। अच्छा, वो जब हम देशाटन के लिए निकलते हैं तो भक्तजन प्यार से जो खिलाते हैं तो हम उनका दिल रखने के लिए खा जाते हैं। तो फिर चलिए हम देशाटन पर निकलते हैं स्वामी जी। साल में सिर्फ 2 दिन हम निकलते हैं देशाटन पर, इस साल वो 2 दिन पूरे हो गए बेटा, अब अगले साल तक कोई देशाटन नहीं। मैं यहाँ ये सोचकर आया था कि यहाँ आराम है, पर यहाँ तो खाना कम और काम ज्यादा हो रहा है, और नॉन वेज के लिए मेरी जीभ तरस रही है। कुछ ना कुछ करके कम से कम ऑमलेट तो खाना होगा। बाद में एक टोकरी के नीचे से मुर्गी के अंडे चुराया, उसे अपने कमरे में ले जाकर इधर उधर देखकर, यहाँ तो स्टोव भी नहीं है, अब क्या करें? रसोई में जाकर पकाया तो उन्हें पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ करके ऑमलेट खाना होगा।
इस तरह एक आयरन बॉक्स को गर्म किया और उसमें ऑमलेट बनाया और खाया। यूं हर रोज अंडे चुराकर ऑमलेट बनाकर खाने लगा और खुश रहने लगा। एक दिन वहां से कुछ जोगियों के साथ स्वामी जी जा रहे थे कि उन्हें ऑमलेट की बू आई। सबने नाक बंद कर लिया। ये जानकर कि वो लड्डू के कमरे से ही आ रही है, उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। अंदर लड्डू को आयरन बॉक्स में ऑमलेट बनाते और खाते हुए देखा। तब उसे पकड़कर सारे जोगी बाहर घसीट कर लाए। घोर पाप बेटा, घोर पाप। आश्रम में अंडे बनाकर खाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और क्या करूं, मैं यहाँ ये सोचकर आया था कि यहाँ बढ़िया खाना मिलता है, पर इतना सा खाना देकर इतना सारा काम कराते हैं। यही काम बाहर किया तो खूब पैसे मिलेंगे। मुझे छोड़ दीजिए, मैं चला जाता हूँ। आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि आप सब अहिंसावादी हैं ना? क्यों, हूँ ना मैं चतुर? बेटा, बिना मेहनत किए खाना खाना पाप है, भगवान भी इसे क्षमा नहीं करता। अब से मेहनत की आदत डाल लो। तुम्हें हम नहीं मारेंगे, पर तुम जैसों को सबक सिखाने के लिए हमारे पास व्यवस्था है। बेटा रंगा, जरा यहाँ आओ, इसका सत्कार करो और इसे विदा करो। तब रंगा नाम का एक पहलवान आया और लड्डू को मारने लगा। उई माँ, अरे बाप रे, हे भगवान, अरे ना मारो, कहकर चिल्लाने लगा। फिर उसे आश्रम के गेट के बाहर लाकर पटक दिया। तब से लड्डू ने मेहनत करने की आदत डाल ली। मैजिकल रिंग। दीवानापुर नाम का एक गांव था। वो जंगल के पास होने के कारण उस गांव के लोग जंगली लोमड़ी, बाघ और कई जंगली जानवरों को लाकर उन्हें पालते थे। कोई नया व्यक्ति उस गांव में आता तो उन जानवरों को उन पर छोड़कर उन्हें डराते थे या सताते थे। उसी गांव में प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता था। क्योंकि वो शहर में जाकर पढ़कर आया था तो उसे ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन प्रकाश ने गांव वालों को बुलाकर, देखिए, आपके इन हरकतों की वजह से हमारे गांव में कोई भी नहीं आता। इसका नतीजा ये है कि हम और सारा गांव को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है, आपके बदलने का समय आ गया है। वैसे भी हमारे गांव का असली नाम श्रीरामपुर है, ये सब भूल गए हैं। सब इस गांव को दीवानापुर कहकर ही बुलाते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों का गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सब अपने पास पाल रहे जंगली जानवरों को जंगल में छोड़ आइए। ये बात सुनकर गांव वालों में से एक, अरे बड़ा आया हमें नसीहत देने वाला, ये शहरी बाबू ये यूं बकवास कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अपने गांव का तौर तरीके भूल गया है। अरे बाघ के पूंछ देखकर घर के अंदर जाकर छुपने वाले शहरी की तू बढ़ाई कर रहा है, अरे इसके ऊपर छोड़ो भाग को। बस ये बात सुनकर गांव वालों ने अपने अपने जानवर प्रकाश पर छोड़ा। वो एक साथ प्रकाश के ऊपर झपटे। प्रकाश उनसे बचने के लिए भागने लगा और वे जानवर उसका पीछा करने लगे। गांव की सीमा लांघते ही वे सारे एक बाघ रुक गए। सीमा पार करने के बाद एक बाघ, अरे प्रकाश रुको रुको, कहकर आवाज देने लगा। वो आवाज सुनकर प्रकाश रुककर मुड़कर देखा तो उसे उसके सामने एक बाघ दिखाई दिया। ये क्या, तुम इंसानों की तरह बोल सकते हो? अरे मैं विष्णु हूं, कहकर बाघ का खाल उतारा। प्रकाश को उसका दोस्त विष्णु दिखाई दिया। यार मुझे भी शहर ले चल, इन पागलों के बीच में मैं फंस कर रह गया हूँ, मैं इनके साथ और नहीं रह सकता। वैसे भी मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है, ये पागल तो बोटी नोच कर खाने वाले जानवरों को पाल रहे हैं। हमेशा यही डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कौन सा जानवर की बलि चढ़ूंगा मैं। ठीक समय पर तुम भगवान बनकर आए हो, दो दिनों से देख रहा हूँ। मैं समझ गया था कि तुम उन्हें कुछ समझाना चाहते थे, मैं ये भी समझ गया था कि वे तुम्हें भगाएंगे, इसीलिए इस भेष में मैं तेरे पीछे आ गया। चलो अब ये गांव छोड़कर हम शहर में जाकर आराम से रहते हैं। ये सुनकर प्रकाश, अरे यार चाहे कुछ भी हो, वे हैं तो सब अपने गांव वाले, कुछ ना कुछ करके उन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। तो फिर चलो जंगल में चलते हैं, वहां रहने वाले साधु जी से मिलना चाहिए। दोनों जंगल की ओर गए। एक पेड़ के नीचे साधु बैठे थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया, उनको अपने गांव के बारे में समझाया। ये सुनकर साधु,
छोटे लकीर के सामने बड़ा लकीर खींचना चाहिए, तभी वे रास्ते पर आएंगे, कहकर अपने हाथ को हिलाया तो एक जादुई रिंग प्रकट हुआ। वो रिंग लेकर विष्णु और प्रकाश दोनों फिर से दीवानापुर लौट गए। उन्हें देखकर गांव वालों में से एक, क्यों रे, अरे सवेरे तो जान हथेली पर लेके भाग रहे थे और ये बाघ के बेस में तेरे पीछे चला गया, अब दोबारा यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई? ये सुनकर विष्णु प्रकाश से, इन गांव वालों को भड़काने का काम इसी लोकेश का है, पहले इसे ठीक करते हैं। प्रकाश लोकेश से, अरे लोकेश, अब तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें दौड़ाने आए हैं, चलो अगर दम हो तो अब भेजो तुम अपने बाघ को। तब लोकेश ने उन दोनों पर अपने बाघ को छोड़ा। वो बाघ उनकी ओर लपटने वाला था कि दोनों ने एक मैजिकल रिंग को उसके आगे कर दिया, बस वो बाघ एक हाथी में बदल गया। विष्णु उस हाथी से, वो देखो वो लोकेश ही तुम्हारा मालिक है, तुम्हें भूख लगी है ना, उससे कहो तुम्हें खाना खिलाए, अगर उसने नहीं खिलाया तो उसे तुम गन्ने की तरह चूस कर खा जाओ। ये बात सुनकर हाथी लोकेश के पास गया। उसे देखकर ही लोकेश, बाप रे ये तो पहाड़ जैसा है, इसे मैं पालूंगा कैसे? अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, ये कोई जादू का रिंग है, तुम्हारे जानवर इन पर छोड़ दो, तब इनके अकल ठिकाने आएंगे। तब गांव वालों ने अपने अपने जानवर उन दोनों के ऊपर छोड़ दिया। वे सारे जानवर हाथी के रूप में बदल गए। सब हैरान होकर देखने लगे। उनके देखते देखते एक हाथी का झुंड बन गया। आप खिलाओ इन्हें खाना या फिर तुम खुद खाना बन जाओ। ये बात सुनकर लोकेश विष्णु को मारने के लिए आगे आया तो विष्णु ने वो रिंग आगे किया, तब प्रकाश ने उसे भी मैजिकल रिंग के अंदर से निकाल दिया। वो एक गोरिल्ला के रूप में बदल गया। लोकेश को देखकर विष्णु, अरे लोकेश तू ऐसा और अच्छा लग रहा है यार, तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर लोकेश, मेरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अच्छी सबक मिली है, अब से मैं जंगली जानवरों को नहीं पालूंगा, मुझे इंसान में बदल दो प्लीज। तब प्रकाश ने लोकेश को फिर से रिंग में से निकाला तो वो इंसान में बदल गया। देखो गांव वालों, दोबारा जंगल के जानवरों को लाकर पालने लगे तो आप लोगों को मैं चींटी और मच्छर में बदल दूंगा, फिर लोकेश और तुम्हें फिर से गुरिल्ला में बदल दूंगा। ये तुम्हारा काम है कि कोई फिर से जंगल से जानवर ना लाए, समझे? समझ गया। तब प्रकाश और विष्णु ने मैजिकल रिंग को देखकर, थैंक यू मैजिकल रिंग,